हेलो एंड वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान डिस्कस कर रहे थे और उसी सीरीज़ में यह है नौवीं क्लास है। आठ क्लास देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाएं या फिर माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। चलने से पहले जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिलती रहेंगी। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं। और चलने से पहले दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको वेस्ट से वेस्ट अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और माय स्मार्ट 40 कूपन कोड यूज करेंगे माय स्मार्ट 40, तो आपको 40% डिस्काउंट किसी भी सीरीज पे मिलेगा। यह बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है। मेरी ओर से इस कूपन कोड को यूज़ करें तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। याद रख लीजिए, जब भी आप करते हैं तो माय स्मार्ट 40 यूज़ करिए। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि भारत में दो प्रकार की नदियाँ प्रवाहित होती हैं। पहली होती हैं हिमालयन नदियाँ। हिमालयन नदियाँ जो कि हिमालय से बहती हैं, इनमें जल का स्रोत क्या होता है? ग्लेशियर। दूसरी नदियाँ होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी एरिया है उसमें जो नदियाँ बहती हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में जल का स्रोत होता है वर्षा, यानी कि वर्षा जितनी अधिक होगी इनमें पानी उतनी ही अधिक मात्रा में रहेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियों की, तो ये प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले जो हमारी प्रमुख नदी है नर्मदा नदी। स्टूडेंट, बोर्ड पे अगर आपको लिखा हुआ समझ में ना आए तो मेरे शब्दों पर फोकस कीजिए, क्योंकि जो मैं कहूँगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह मध्य भारत की सबसे लंबी नदी है। नदियों में हम सबसे महत्वपूर्ण जो पढ़ते हैं वो है इनका उद्गम, समापन और इनकी लंबाई। तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी के उद्गम की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से। मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रृंखला का पूर्वी भाग है, यानी कि ये है मैकाल श्रेणी, ठीक है। तो मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से, ठीक है, और जिला कौन सा है? अनूपपुर। अमरकंटक, अनूपपुर जिला, ठीक है, यहाँ से होता है नर्मदा नदी का उद्गम, क्लियर है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करके कहाँ जाती है? गुजरात के भरूच जिला, ठीक है। ये गुजरात का भरूच जिला यहाँ पे पड़ता है और वहीं पे जाके किस में गिरती है? अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। इसको खंबात की खाड़ी बोला जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, खंबात की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो बनाती हैं डेल्टा, और खंबात की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो बनाती हैं मुहाना, जिसको हम एस्चुरी बोलते हैं। तो ये जो नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा हम नर्मदा नदी की बात करें, इसका पौराणिक नाम है रेवा। ध्यान रखेंगे, रीवा नहीं है, रेवा है, ठीक है। अभी एक मंत्री ने रीवा का संबंध रेवा से बता दिया था, उसमें कोई ऐसा संबंध नहीं। इसका रेवा पुराना नाम है, रीवा अलग जिले का नाम है, रेवा का रीवा से कोई संबंध नहीं, ठीक है। बात करें इनकी सहायक नदी की, ठीक है, तो सहायक नदी नर्मदा की कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि तवा, ठीक है, बारना, बरगी, शक्कर, दूधी, ठीक है, हिरनी, हथनी,
शेरनी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। क्लियर है? तो ये होती है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। नेक्स्ट नदी की बात करें, सेकंड आती है चंबल। चंबल नदी का पुराना नाम क्या है? चर्मणवती या फिर चर्मावती, यानी कि चर्म से उत्पन्न नदी। ठीक है, चर्मणवती या चर्मावती। चंबल नदी का उद्गम देखेंगे हम। चंबल नदी का उद्गम होता है इंदौर जिला, इंदौर के पास है महू। ठीक है, और वहीं पे जो पहाड़ी का नाम है उसे बोलते हैं जनापाव पहाड़ी। ठीक है, यहाँ से होता है चंबल नदी का उद्गम, और ये इस तरीके से बहती 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 कहाँ जाती है? यमुना नदी में जाके गिरती है। तो चंबल नदी का उद्गम होता है कहाँ से? इंदौर के पास महू जनापाप की पहाड़ी में, और यह इटावा, इटावा यूपी, और ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, सब्सिडरी रिवर। ठीक है, सहायक नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है चंबल नदी की। क्लियर है? 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। चंबल नदी की यदि हम बात करें सहायक नदियों में, तो काली सिंध, पार्वती, बनास और छिप्रा। काली सिंध, पार्वती, बनास और छिप्रा चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अगली नदी की बात करें, अगली महत्वपूर्ण नदी है बेतवा। दोस्तों, बेतवा को बैत्रवती भी कहा जाता है। ठीक है, बैत्रवती पुराना नाम याद रखेंगे। ठीक है, इसकी बैत्रवती की बात, इसकी लंबाई की बात करें 380 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ से होता है? तो बैतवा का उद्गम रायसेन, रायसेन जिले से होता है, और इस तरीके से ये बहती हुई ये भी कहाँ जाके गिरती है? यमुना नदी में। तो ध्यान रखना, ये इसकी लंबाई बैतवा की 380 किलोमीटर है, और उद्गम होता है रायसेन जिले का कुमरा गांव, कुमरा गांव। ठीक है, और ये हमीरपुर कहाँ पे है? हमीरपुर यूपी में, और किस में जाके गिरती है? यमुना नदी में। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बीना, धसान और बैस। बीना, धसान, बैस किसकी? बैतवा की सहायक नदियां हैं। क्लियर है? बैतवा की बात करें तो इसको मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है, और ये गंगा इसके लिए अच्छे के लिए नाम नहीं पड़ा, प्रदूषण के हिसाब से इसको गंगा कहा जाता है। यानी कि प्रदूषण का स्तर, मध्य प्रदेश में सबसे प्रदूषित नदियों में बैतवा का नाम आता है। प्रदूषण के स्तर के तौर पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम नदी की बात करेंगे, वो नदी है कौन सी? सोन नदी। सोन, स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा, स्वर्णवती या स्वर्ण नदी, स्वर्ण नदी, स्वर्णवती नदी, इसको सोन नदी बोला जाता है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम वहीं से होता है जहां से नर्मदा का उद्गम होता है, पर यह इस तरीके से बहती हुई कहां जाती है? ये मिलती है गंगा नदी में। ठीक है, पटना बिहार में है, तो पटना के समीप कहां मिलती है? गंगा नदी में। ठीक है, कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें सोन नदी की, तो इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। क्लियर है? जाहिला इसकी सहायक नदी है, जाहिला इसकी सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट नदी की बात करें कौन सी है यहाँ पे? छिप्रा। ठीक है, छिप्रा आप पढ़ चुके हैं किसकी सहायक नदी है? चंबल की। तो चंबल की सहायक नदी है छिप्रा। ठीक है, छिप्रा का उद्गम भी इंदौर के पास काकरी बर्डी पहाड़ी से होता है, और इस तरीके से छिप्रा जो है वो चंबल में जाकर मिलती है। इसलिए छिप्रा किसकी सहायक नदी है? छिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। क्लियर है? तो छिप्रा किस में जाके गिरती है? चंबल में। आपको मालूम होगा उज्जैन, ठीक है, छिप्रा नदी के किनारे है,
इसको मालवा की गंगा बोला जाता है। छिप्रा को क्या बोला जाता है? मालवा की गंगा, मालवा की गंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर एरिया को वहाँ पे पानी की सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है मालवा क्षेत्र में। इसके अलावा इंदौर और उज्जैन, उज्जैन जो है वो इसी नदी के किनारे होता है और इसी नदी के किनारे पर कुंभ का मेला लगता है जिसे सिंहस्थ कहा जाता है, जो कि 12 वर्षों में लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। नेक्स्ट नदी आती है तवा। तवा ज़्यादा कुछ नहीं, तवा एक छोटी सी सहायक नदी है जो कि होशंगाबाद से ही निकलती है और किस में जाके मिलती है, देखिए होशंगाबाद में कहाँ से, पचमढ़ी, पचमढ़ी होशंगाबाद में आता है और पचमढ़ी से निकलती है और किस में मिल जाती है, होशंगाबाद ज़िले में ही जाकर, कहीं नहीं, होशंगाबाद से निकलती है और होशंगाबाद ज़िले में ही जाकर नर्मदा नदी में मिल जाती है, कौन सी, तवा नदी, ठीक है। नेक्स्ट नदी की बात करें तो वो आती है ताप्ती। दोस्तों ताप्ती इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ताप्ती, ताप्ती कहाँ से, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री नाम ताप्ती का है, सूर्य की पुत्री, उसी के ताप से उत्पन्न ये नदी ताप्ती, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये यहाँ से निकलती है बैतूल जिला, और बैतूल में एक जगह है मुलताई, शब्दों पर ध्यान दीजिए, मुलताई, दिखाई नहीं दे रहा तो कोई नहीं, शब्दों पर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। मुलताई से निकलती है कौन सी, ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी जो है वह नर्मदा के समांतर बहती हुई कहाँ जाके गिरती है, ये जाके गिरती है सूरत जिला गुजरात खंबात की खाड़ी में। तो दो नदियाँ खंबात की खाड़ी में अभी तक हो गई, एक नर्मदा एक ताप्ती, ये दोनों एक दूसरे के समांतर बहती है, ठीक है। इसके अलावा ताप्ती नदी जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। चंबल नदी जो है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है कुछ जगह, ठीक है, यानी कि एक साइड एमपी एक साइड राजस्थान। बेतवा नदी है वो किस किस के बीच, वो यूपी और एमपी की सीमा बनाती है कुछ जगहों पर, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, इन पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नदी की बात करें तो आती है हमारी काली सिंध। देखिए ताप्ती नदी की जो सहायक नदी है वो पूर्णा गिरणा और बागोड़ है और इसकी लंबाई है ताप्ती की 724, पूर्णा गिरणा और बागोड़ ताप्ती की सहायक नदियों में आती हैं, पूर्णा गिरणा और बागोड़, ठीक है। नेक्स्ट आती है काली सिंध। काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले के बागली नामक गांव से होता है, कहां से, देवास के बागली, ये यहां पे, ठीक है, देवास के बागली नामक गांव से होता है और यह भी किस में मिलती है, चंबल नदी में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी लंबाई जो है वो 150 किलोमीटर है, कितनी है, 150 किलोमीटर काली सिंध की। देखिए हमने देखा ना, काली सिंध पार्वती ये दोनों किसकी सहायक नदी हैं, ये चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट आते हैं कैन। कैन का पुराना नाम सुक्तिमती है, कैन नदी का पुराना नाम क्या है, सुक्तिमती। कैन का उद्गम कहाँ से होता है, तो देखिए यहाँ पे हमने जब पर्वत श्रेणियाँ पढ़ी थी, आप पर्वत श्रेणियाँ वाले चैप्टर में देख सकते हैं, मैं एक एक टॉपिक अलग पढ़ाया, तो ये है कैमूर पर्वत। कैमूर में कटनी के पास से किसका उद्गम होता है, कैन नदी का, और कैन नदी कहाँ जाके गिरती है, यमुना नदी में, ठीक है। कैन नदी का उद्गम होता है कहाँ से, कैमूर से कैन याद रखेंगे, कैमूर पर्वत और कटनी, ठीक है, और कहाँ जाके गिरती है, यमुना नदी में जाकर ये भी गिरती है। तो किसकी सहायक नदी है, यमुना की। इसकी लंबाई 292 किलोमीटर है। कैन नदी की लंबाई कितनी है, ये हो गई कैन 292 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गई कौन सी महत्वपूर्ण नदी, कैन, ठीक है। कटनी कैमूर पर्वत किस में जाके गिर रही है, यमुना नदी में। कैन के बाद यदि हम बात करें तो सबसे प्रमुख नदी आती है, वो आती है टोंस, ठीक है। कैन के बाद आती है कौन सी नदी, टोंस, और टोंस को कहा जाता है
तमसा। अभी आप देखेंगे टोंस नदी को क्या कहा जाता है, तमसा। ये उद्गम होती है कहाँ से निकलती है, ये निकलती है सतना जिला, और सतना के पास भी, वो भी पहाड़ी कौन सी है, कैमूर पर्वती ही है, और वहीं से निकलती है टोंस नदी, और टोंस जाके गिरती है किसमें, यूपी में जाके, पर यह गंगा नदी में जाके गिरती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यमुना है, ये संगम है, और ये गंगा नदी है, ये इधर से भी कौन सी नदी है, गंगा नदी से। तो टोंस यानी कि तमसा नदी ये भी किस में जाके गिरती है, गंगा में। तो गंगा में मध्य प्रदेश की दो प्रमुख नदियां गिर रही हैं, एक हो जाती है कौन सी, सोन, और दूसरी टोंस। ठीक है, इसके अलावा पार्वती नदी। ठीक है, पार्वती नदी की अगर हम बात करें तो पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले से होता है, और यह भी चंबल नदी में जाके गिरती है। ठीक है, ये सीहोर जिला है, यहाँ से पार्वती का उद्गम होता है, और ये किस में जाके मिलती है, चंबल नदी में। पार्वती नदी भी कहाँ जाके गिरती है, चंबल नदी में, इसका उद्गम सीहोर जिले से होता है। ठीक है, पार्वती के बाद हम बात करें एक और महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है माही, माही नदी। ठीक है, माही नदी की अगर हम बात करें, इसका उद्गम होता है धार जिले से। कहाँ से होता है, धार जिले से, और यह भी कहाँ जाती है, देखिए माही नदी, माही नदी मध्य प्रदेश की वो नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, धार जिले से। ठीक है, माही यानी धौनी, और धौनी से धार, ये धौनी के बल्ले में बहुत धार है इसलिए अच्छा मारता है। ठीक है, इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है, 583। ठीक है, माही नदी की लंबाई 583 किलोमीटर है, और यह खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है गुजरात के समीप। ठीक है, इसके अलावा अगली नदी की बात करें तो वो आती है बैन गंगा। ठीक है, बैन गंगा, बैन गंगा नदी का उद्गम सिबनी के पास परसवाड़ा पठार से होता है, जिला सिवनी, और सिवनी के पास किससे होता है, परसवाड़ा पठार से होता है बैन गंगा। ये इस तरीके से मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी दक्षिण की ओर बहने वाली बैन गंगा नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो कि दक्षिण की ओर बहती है, बैन गंगा नदी। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 180 के समथिंग किलोमीटर के है, एक बार इसको करेक्ट करके देख लेना आप बैनगंगा की लंबाई को। ठीक है, हमने टोंस नदी पढ़ी थी, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। टोंस नदी की लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। ठीक है, और बीहड़, आपने बीहड़ जलप्रपात के बारे में भी सुना होगा, चचाई जलप्रपात जिसे बोलते हैं, वो बीहड़ नदी पर है, और वो इसी की सहायक नदी है, किसकी, टोंस की, जो कि गंगा में जाके मिलती है। इसके अलावा एक और प्रमुख नदी है जिसको सिंध नदी भी बोला जाता है। ठीक है, सिंध नदी, सिंध नदी सिरोंज से निकलती है। सिंध नदी कहाँ से निकलती है, सिरोंज से निकलती है, और यह भी किस में जाके मिलती है, चंबल में। ठीक है, सिंध नदी सिरोंज लटेरी तहसील है, वहीं से निकलती है, सिरोंज और लटेरी के बीच से ही निकलती है, आप लटेरी का भी मान सकते हैं सिरोंज, यानी कि मैन विदिशा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये चंबल में जाके मिलती है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं किसकी, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, मेन नदियां हैं, सारी मैं दिखा चुका हूँ, मैप में भी आप समझ चुके हैं कौन सी, ये हो गई कौन सी नदी, सिंध नदी। ठीक है, जो भी नदी यदि आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, सारी नदियां मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।